गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर श्रीलिंगा सैनी। आज हम बीएड सेकंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत शैक्षिक संप्रेषण की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसकी स्टडी करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम हमारे संप्रेषण को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और संगठनात्मक कारकों की स्टडी की थी। अब एजुकेशनल कारक कौन कौन से हैं जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एग्जिस्ट करते हैं और वो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं, तो उसमें तो ये जो कारक है शैक्षिक कारक हम इसे लिख सकते हैं। मधुभाषी भी हम कह सकते हैं इसे, तो मधुभाषी
का ज्ञाता, तत्कालीन समस्याओं को जानकारी रखने वाला, अनुभवी, अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर अपने दृष्टांत, अपने जीवन के अनुभव की शेयरिंग करने वाला, सह संबंधित करके पढ़ाने वाला, तो मतलब ऑल ओवर जो भी उसकी पर्सनैलिटी के अंदर उसके जो गुण है, जो उसकी व्यक्तित्व को उसका ड्रेसिंग सेंस, उसके आंतरिक और बाह्य हम दोनों गुण कह सकते हैं, तो वो जब गुण प्रभावशाली होंगे तभी शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, और ये शिक्षक का व्यक्तित्व जब प्रभावशाली होगा तो संप्रेषण की प्रक्रिया स्वयं ही प्रभावशाली होगी। तो शिक्षक का व्यक्तित्व भी है हमारे शैक्षिक संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अब इसके पश्चात थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट के अंदर हम लेते हैं शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य भी क्या है, हमारी शैक्षिक संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसमें अगर शैक्षिक उद्देश्य का हम पूर्व में ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से पूर्व में ही निर्धारण कर लेते हैं, तो इस शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार हमें विषय वस्तु का ज्ञान हो जाता है, विषय वस्तु, साथ ही इसमें जो सहायक सामग्री या पाठ को पढ़ाने से पूर्व हमें जिन जिन साधनों की आवश्यकता है उन सबका जानकारी हमें हमारे शिक्षक के उद्देश्य दे देते हैं, साथ ही हमारे को जो भी मूल्यांकन है कि हमें इस पाठ का किस प्रकार से मूल्यांकन करना है, तो ये मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है इसकी भी जानकारी हमें शिक्षक के उद्देश्यों के द्वारा मिल जाती है। और इस प्रकार से जो शिक्षण के उद्देश्य हम निर्धारित कर लेते हैं तो आगे जाके पाठ योजना में भी सपोर्ट मिलता है। उस पाठ योजना के अंतर्गत हम सहायक सामग्री क्या लेंगे, कौन कौन से अतिरिक्त संसाधन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अतिरिक्त भी हमारे को कक्षा कक्ष की व्यवस्था करने में सहायता करेंगे और आवश्यक है, साथ ही मूल्यांकन की प्रक्रिया में मूल्यांकन किस तरह से होगा इस कंटेंट का, इस शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, ये सब भी हमें पता चल जाता है। तो इस प्रकार शिक्षण के उद्देश्य हमारे आगामी पाठ योजना के अंतर्गत जो हम संप्रेषण करेंगे उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है फोर्थ पॉइंट है विषय वस्तु का चयन। अब विषय वस्तु का चयन करना अपने आप में, क्योंकि विषय वस्तु ऐसी हो जिसको हम बालकों को जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान उसे स्टडी कराएं तो बालकों के लिए सरल हो, सहज हो, बोधगम्य उसकी भाषा हो, तो इसमें सरल हो, सहज हो और बालकों की दृष्टि से बोधगम्य हो, यानी बालकों को क्या है समझ में आए, तो इस प्रकार की हमारी क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु होनी चाहिए। और विषय वस्तु के चयन में हम संप्रेषण की दृष्टि से हम क्या करें, एक जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उनका भी ध्यान रखें, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, साथ ही हमारे शिक्षण सूत्र हैं, शिक्षण सूत्र है, इनका भी ध्यान रखें। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में इन सब बातों का नॉलेज हमें हमारे शैक्षिक संप्रेषण की प्रक्रिया को संपादित करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विषय वस्तु ऐसी हो जो संप्रेषण की दृष्टि से सरल, सहज और बोधगम्य हो, और इसमें शिक्षक को इन चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही जो भी हम कंटेंट ले रहे हैं विषय वस्तु से संबंधित उसका जब हम चयन करते हैं तो उसे हम क्या करें, एक तो क्रमबद्ध रूप में भी प्रस्तुत करें, क्रमबद्ध प्लस व्यवस्थित, क्योंकि जब तक हम क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से अध्ययन नहीं कराएंगे
तभी जो संप्रेषण है वो बिल्कुल प्रवाह वाला होगा, फ्लुएंसी एक तरह से उसकी प्रवाह पूर्णता बनी हुई होगी। तो जब शैक्षिक संप्रेषण में प्रवाह पूर्णता होगी तो हमारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया भी प्रभावशाली होगी। तो इन बातों का ध्यान भी हमें संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट है पाठ्य योजना का निर्माण, क्योंकि पाठ्य योजना के निर्माण का ही एक पहलू है हमारा शिक्षण उद्देश्य। तो पाठ्य योजना का निर्माण, तो ओवरऑल पाठ्य योजना के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हमारे शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो इसमें उद्देश्य, विषय वस्तु विश्लेषण, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, और मूल्यांकन। लास्ट है हमारा मूल्यांकन। तो इस प्रकार से एक पाठ्य योजना के अंतर्गत ये प्रमुख पक्ष होते हैं। सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण के बाद विषय वस्तु का विश्लेषण करते हैं, जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है, फिर विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, मूल्यांकन। तो इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, हमारी पूरी पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। तो पाठ्य योजना के निर्माण में संप्रेषण की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारे विषय वस्तु विश्लेषण, और इसमें सहायता प्रदान करते हैं 1, 2 और 3। ये हमारा उद्देश्य है, विधि प्रविधि है और सहायक सामग्री है। ये सब हमारे विषय वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत जब हम हमारे कंटेंट को पढ़ाते हैं तब ये सब सहायक होते हैं, और एट द लास्ट मूल्यांकन तो है ही। तो इस प्रकार ओवरऑल पाठ्य योजना में भी शैक्षिक संप्रेषण की प्रक्रिया को ये प्रभावित करती है। अगर पाठ्य योजना कहानी विधि पर आधारित है तो संप्रेषण उसी प्रकार का होगा, अगर पाठ्य योजना में व्याख्यान में है तो व्याख्यान के हिसाब से होगा, अगर पाठ्य योजना प्रोजेक्ट पर आधारित है तो उसी अकॉर्डिंग हमारा संप्रेषण होगा। तो कंटेंट प्लस विधि प्रविधि भी क्या करती है, हमारे इसको शैक्षिक संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। नेक्स्ट इसमें आता है उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री। तो ये हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिपीट ही है, लेकिन ये स्पेसिफिक भी है। नहीं है तो भी संप्रेषण प्रभावित
सब बातें हैं जो हमारे शैक्षिक संरचना की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसके बाद आता है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता जो हमारे बालकों से जुड़ी हुई है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार भी हमारे शिक्षण विधि और प्रविधि, साथ ही हमारा कंटेंट, हमारे टोटल शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसके आधार पर हमारी शैक्षिक संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता में हमने पहले भी इसके फर्स्ट पॉइंट में पढ़ चुके हैं, हमारी रुचि, बालकों की रुचि, आदतें, आवश्यकताएं, रुझान, उनकी पसंद, नापसंदगी, ये सब क्या करती है, हमारे शैक्षिक संप्रेषण को प्रभावित करती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान न करते हैं अगर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपादित करते हैं तो हमारा संप्रेषण प्रभावशाली होता है, अन्यथा नहीं होता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है एक पॉइंट है, उसमें कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण, तो कक्षा का वातावरण भी जैसे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, तो इन मौसमी के अनुकूल हमारा कक्षा का वातावरण और बालकों की बैठक व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, स्वच्छता, हवा, ये सब की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये व्यवस्था प्रॉपर है तो हमारे शैक्षिक संप्रेषण की प्रक्रिया बहुत प्रभावशाली होगी। बालक रुचि लेंगे, जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अंतःक्रिया है वो बनी रहेगी, बालकों का रुझान बना रहेगा। इसके विपरीत अगर कक्षा का वातावरण सही नहीं है और कक्षा के वातावरण के अंतर्गत अगर गर्मी है, फैन नहीं है प्रॉपर, बैठक व्यवस्था में दरी पट्टी वगैरह नहीं है, और मौसमी में अगर गर्मी का मौसम है तो बहुत ही ज़्यादा लू वाली हवाएं, गर्म हवाएं चलती है, प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूलों की तो बात ही ऐसी है कि वहाँ एक या दो ही रूम होते हैं, तो वहाँ किस प्रकार से कक्षा का वातावरण निर्मित हो, ये भी एक गंभीर समस्या है। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे शैक्षिक संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। तो मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ये दोनों तरफ से बात हो सकती है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें ना केवल शिक्षक इम्पोर्टेंट है बल्कि स्टूडेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षक के द्वारा किए गए शिक्षण और बालकों के द्वारा किए गए अधिगम की इस अंतःक्रिया में दोनों का ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, तभी संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावशाली होगी। यदि बालक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, कुछ बालकों में तो विकलांगता भी होती है, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य में वैसे ही हीन भावना थोड़ी सी होती है, और कुछ में मनोबल इतना अच्छा होता है, कुछ विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं उनमें उनका अगर किसी का मनोबल अच्छा है तो वो शारीरिक अक्षमता भी उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती, लेकिन इसके अपवाद बहुत हैं। इसी प्रकार शिक्षक की दृष्टि से शिक्षक का भी अगर फिजिकल सही नहीं है, बीमार है या अन्य कोई मानसिक व्याधि है दिमाग में कोई है, तो भी हमारे लिए शैक्षिक संप्रेषण की प्रक्रिया है वो प्रभावशाली नहीं होगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारे इस प्रक्रिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा 10 पॉइंट जो है वो है इसमें सहसंबंध का ज्ञान, सबसे इम्पोर्टेंट भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि आजकल सहसंबंध का ज्ञान, यानी आज जितने भी विषय हैं वो एक दूसरे से सहसंबंधित करके ही पढ़ाए जाने चाहिए। ऐसी हमारे कोठारी कमीशन की अनुशंसा है, हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा 2020 की अनुशंसा है, साथ ही हमारी 1986 पॉलिसी जो आई थी उसकी भी अनुशंसा है, इवन के जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना 2005 में उसकी भी यही अनुशंसा है कि सभी सब्जेक्ट को हम क्या करें, आपस में सहसंबंधित करके पढ़ाए। तो हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का इम्पोर्टेंट रोल यहाँ आ जाता है कि अपने विषय को वो दूसरे विषयों से कोरिलेट करके पढ़ाए, और कोरिलेट करके पढ़ाएगा तभी उसकी संप्रेषण प्रभावशाली होगा। सपोज कीजिए मैं सोशल साइंस के सब्जेक्ट की टीचर हूँ, तो मुझे चोपड़ा
भी ज्ञान होना चाहिए, साइंस का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और लेकिन जब समय समय पर अगर अगर मैं सोशल साइंस में ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर टेम्परेचर इस टाइप के लेसन पढ़ा रही हूँ बालकों को, तो उसमें मैथमेटिकल का भी ज्ञान प्रॉपर होना चाहिए, तो मैं उसके भी उदाहरण ले सकती हूँ। मौसमी परिवर्तन होता है तो उसका साइंस का इफेक्ट क्या पड़ेगा, इकोलॉजिकल क्या पड़ेगा, सोशियोलॉजिकल क्या पड़ेगा, तो ये सारे एस्पेक्ट जो है ऑटोमेटिकली एक किसी एक भी सब्जेक्ट को आपस में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के अंतर्गत ला देते हैं। तो शिक्षण इस शिक्षण निगम प्रक्रिया को में संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को सहसंबंध का ध्यान होना आवश्यक है कि वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है वो किन किन सब्जेक्ट से कोरिलेट हो सकते हैं, तो इसके पूर्व में ही प्लानिंग करें। ये भी है क्योंकि आप तत्काल में अगर किसी सब्जेक्ट को कोरिलेट करोगे तो हो सकता है बालकों को गलत सूचना या गलत तथ्य बता दे, तो इसलिए पूर्व में ही इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब एट द लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है 11 पॉइंट और इसके अंदर है सीखने हेतु अभिप्रेरणा, दैट इज मोटिवेशन। मैं इसमें मोटिवेशन ही लिख रही हूँ। अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा का सीधा ही संबंध होता है बालकों के सीखने से, ठीक है। तो सीखने की इस अभिप्रेरणा के अंतर्गत बालकों को हम उनके लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उनमें जो पॉजिटिव अनुक्रियाएं हैं उनको आगे बढ़ाए रखने के लिए हम क्या कर देते हैं, उनसे मोटिवेशन देते हैं, उनसे फीडबैक देते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि जब बालक कुछ अच्छा कार्य करता है, सीखता है, तो उसमें मोटिवेशन, और मोटिवेशन के लिए भी हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो संप्रेषण में उन सकारात्मक शब्दों के द्वारा सीखने की जो प्रक्रिया है हम उसे तीव्र कर सकते हैं। कभी कभी कुछ बालक शाय नेचर के होते हैं और उनके अंदर एक झिझक होती है, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तो उसमें भी हम इस मोटिवेशन उनको अभिप्रेरित करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों, कुछ उदाहरण, कुछ दृष्टांत का हम जब उनको बताते हैं संप्रेषण के माध्यम से, तो वह अपने अधिगम की क्षमता को बढ़ाने के लिए तत्पर होते हैं, उनमें प्रयास होता है, एक तरह से वो उस कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसमें अभिप्रेरणा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर पॉजिटिव अभिप्रेरणा है तो बालकों की अधिगम क्षमता, अधिगम उपलब्धि बढ़ सकती है, और अगर नेगेटिव है तो जो उनकी अचीवमेंट्स है वो कम हो सकते हैं। इस प्रकार से शैक्षिक संप्रेषण की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सारे जो हमारे फैक्टर्स हैं ये इस एजुकेशनल संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, और अगर इन सभी फैक्टर्स का ध्यान शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रखेगा तो डेफिनेटली उसका जो शैक्षिक संप्रेषण है वो बहुत ही प्रभावशाली होगा और बालकों के लिए वह एक आइडियल टीचर भी बन सकता है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल के अंदर बेसिकली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन सब फैक्ट्स का ये जो कारक है उनको, इनकी नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, तभी वह अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकेगा। अब आज का जो असाइनमेंट है उस असाइनमेंट के अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि शैक्षिक संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को साधारण स्पर्श कीजिए। आपको इसका उत्तर टू 50 वर्ड्स में देना है।
इसके साथ एक और असाइनमेंट है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ कॉन्फ्रेंस मास्क बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, अगर आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए, और घर से बाहर निकलते समय फेस पे सदा मास्क लगा के रखना बहुत ही अनिवार्य है और अपने अपने लाइफ को सिक्योर करता है। साथ ही लोगों से कम 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कंपलसरी है, क्योंकि कोरोना अभी बहुत ही पीक पे कह सकते हैं या अभी अनलॉक की प्रक्रिया में लोगों ने सावधानी बरतना कम कर दी है, तो इसमें आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, यही बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही अपने हाथों को जब भी घर से बाहर से आए तो हाथों को सैनिटाइज करके जाएं, और आने के बावजूद भी इस बार भी सैनिटाइज करें या साबुन से बिल्कुल अच्छी तरह से 20 सेकंड तक धोएं। अगर कोई सिम्टम्स आपको सर्दी जुकाम खांसी बुखार ऐसे कुछ लगते हैं तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टरी सलाह लें और अपना ट्रीटमेंट चालू कराएं। अगर ऐसे कोई सिम्टम और कोरोना चेकअप भी कराएं, अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना के लोगों को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।